हमारा यही है, हम हमेशा आप सबों को प्यार देते रहेंगे और आप भी थोड़ा सा प्यार वहाँ से भी देते रहो, बस यही हम चाहते हैं। और सॉन्ग कब आएगा इंशाल्लाह? ये वाला जो गाना है ये हम ईद पे रिलीज करेंगे। हाँ, ये ईद पे इसमें हमारा भी रोल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग जो है थोड़ा बहुत हटके होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं अनंतनाग। अनंतनाग में मेरे एक बचपन के दोस्त ने कैफे स्टार्ट किया है, आज उसकी ओपनिंग है, तो बस वही जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ खास मिलने वाला है वहाँ। हम अपने सफर के लिए निकल चुके हैं। हिलाल भाई, आपका क्या मैसेज है आज? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई मतलब कहीं कमी है, कुछ है, क्या है, आप अपने सजेशंस दो कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो कहीं पे, क्योंकि सपोर्ट बहुत ही कम मिल रहा है। क्योंकि हमें समझ अगर, नहीं आ रहा है कि करना क्या है। आप अपने सजेशंस दो, अगर हमसे कुछ गलती हो रही है, अगर हमें नहीं आता है किसी जगह पे, तो आप हमें बोल सकते हो, अपने सजेशंस दे सकते हो, हम वो जगह वो चीजें जो है इम्प्रूव करेंगे ताकि जो है हमें सपोर्ट मिल पाए। अभी यहाँ पे पकौड़ों के मजे लिए जा रहे हैं। नादिर मंच जरूरी आसा, अगर कुछ तो सफर पर नहीं आ रहा है, नादिर मंच जरूरी। क्यों? बिगर गोज ये जरूरी, इससे जो है सफर में मजा आता है। निकले थे अनंतनाग, लेकिन देखो हम कहां पहुंच गए, और देखो सामने कौन कौन से बंदे मिलेंगे आपको। ये देखो, पहले शुरुआत हम मोनू भाई से करेंगे। खास ही खास ये देखिए, और इससे तो मुझे बात करनी ही नहीं थी, तो क्या करें, अब करनी पड़ी है। हाँ, अब लोकेशन में जान आ गई। अब जान आ गई। हाँ सही, मुझे का ही बताएं बाबू, कुछ भी बताओ। हम यही बताना चाहते हैं कि मतलब यहाँ की जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया है, अभी शूट करने के लिए आ जाओ सब और फूट पड़ो इंस्टाग्राम पे। हर एक मिल गया यहाँ पे भाई जो है न्यूली रिलीज सॉन्ग की कुछ लाइंस गाने वाले हैं, अलविदा, जो कुछ दिन पहले ही आया। जबरदस्त सॉन्ग है, तो अब सुनेंगे हम। गाना जो है भाई को बहुत ज्यादा पसंद है, हमें तो हर एक गाना पसंद ही आता है, वो आपको तो पता ही है। इसके लिए एक दो लाइनें, और यहाँ पे कुछ दोस्त लोग भी हमारे हैं, तो इन सबों के लिए एक दो लाइनें मैं गाऊंगा। दिल से मोहब्बत की थी तुम्हीं से, अंजाम क्या मुझको मिला, रो रो के आंसू थमते नहीं है, क्यों बेवफा तू हो गया, तन्हा मुझे छोड़ कर, सब कुछ मेरा छीन कर, बिन तेरे जी ना सकूं, अब क्या करूं, अलविदा अलविदा कह दिया, जाऊं अब कहां तू बता। माशाल्लाह। तो अभी यहां पे इश्फाक भाई के सॉन्ग का शूट हो रहा है। अभी हमें टाइम है जाने में अनंतनाग हमें जो है 3 बजे के आसपास पहुंचना है। अभी जो है 1:45 हो गया टाइम, थोड़ी देर में हम यहां से निकल जाएंगे, तो फिर देखते हैं और क्या रहता है। अभी टाइम आ गया है यहाँ से अनंतनाग जाने का। अभी वैसे शूट तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अनंतनाग जाना ज़रूरी था, क्योंकि ये दोस्ती का सवाल है, तो इसलिए पहले अनंतनाग जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से वापस हमें इसी लोकेशन पे आना है। इश्फाक भाई भी यहाँ पे ही है, तो सब, हाँ ये सब दोस्ती का ही चक्कर है हर तरफ से। तो उसके बाद आपको फिर से इश्फाक भाई से मिलाएंगे और देखते हैं क्या रहेगा। फिलहाल पहले हम जाते हैं अनंतनाग। क्या उन तो बस कुछ देर में हम स्प्रिंग मॉल अनंतनाग पहुंचने वाले हैं, जहां पे हमें आज जाना है।
देखते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है वहाँ पे। वैसे भी इस साइड से जो है एक बढ़िया कैफे की कमी थी, क्यों? हाँ, और कुछ खास देखते हैं क्या खाने को भी मिलेगा, क्योंकि भूख बहुत लगी है। अब देखते हैं। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जाते हैं अंदर देखते हैं। अभी हम कुल्हड़ चाय अनंतनाग पे पहुंच चुके हैं और ये देखिए सबसे पहले आपको हम जो है मेन्यू दिखा रहे हैं यहाँ का। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है ये आप पूरा मेन्यू हम आपको बहुत सारे आइटम्स, पास्ता, डेजर्ट्स, शेक्स, ड्रिंक्स, सब कुछ। तो अभी हिलाल भाई जो है कुल्हड़ चाय का मजा और रिव्यू देने वाले हैं। बताओ कुल्हड़ चाय की जो शौकीन है उनको पता ही है। बिल्कुल, और काफी जबरदस्त जगह है ये। देखो अभी हमारे साथ जो है ये है मेरा बचपन का दोस्त, क्या बोलूं मैं, हम एक साथ खेला करते थे लंगोटिया यार जो थे। एक भाई तो नहीं आया वीडियो में, वो शर्माता है, लेकिन सुहेल भाई जो है ये वीडियो में आ गए, तो इन्हीं का ये कुल्हड़ चाय यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है अनंतनाग में, तो यहाँ जरूर आए और यहाँ मजे ले। भाई जो है आप बर्गर टेस्ट करने वाले हैं और हमें रिव्यू देने वाले हैं इस जगह का। कुल्हड़ चाय तो हमने टेस्ट की, काफी जबरदस्त है, आप बर्गर का भी रिव्यू देने वाले हैं लाल भाई। हाँ बोलो, मजेदार। चलो सही है, तो इस जगह पे आप जरूर आए। कुल्हड़ चाय अनंतनाग स्प्रिंग मॉल में है, तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप जो है कुल्हड़ चाय का मजा ले सकते हैं। और बाकी मैंने मेन्यू आपको दिखा दिया, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है, तो आप यहाँ आके जो है वो सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आ सकते हैं और यहाँ पे कुछ जो है यादगार लम्हे आप गुजार सकते हैं। वापस लोकेशन पे, क्योंकि अभी शूट जो है वो इनकम्प्लीट है। और हमारा इस सॉन्ग में जो है कैमियो एक भी है। कैमियो क्या, मुझे लगता है बहुत पार्ट हमने लिया इसमें। शुक्रिया, चलो चलो शुक्रिया, ना ना बहुत शुक्रिया। अभी हम आए थे मनपुरा, लेकिन जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है, आप कुछ एक दो शॉट्स लेने बाकी है, वो लोकेशन चेंज हो गई है, अभी हम जाते हैं सीधे वहां ही, लेकिन आपको ये नज़ारे फिर से दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस जगह से हमें प्यार हो गया। सही, वाइब भी अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनपुरा से जो है प्यार हो गया हमें। बाकी शूट जो है वो इस खंडर में होने वाला है, देखो, लेकिन लोकेशन जो है बढ़िया है। ओह जबरदस्त, क्यों है ना जबरदस्त लोकेशन। तो मगर ये मजा वाला शूट असल खतरनाक शूट जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी इश्फाक भाई जो है हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? दोस्तों एक्चुअली क्या है कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है ना आपको नहीं दिखाते, यहाँ सब कुछ वही घर का क्या है वही सब सीन रहता है। थोड़ा सा व्लॉग्स वो चीज़ देखो जो पूरे कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो चीज़ें देखो, ताकि हम दूसरों को भी वो चीज़ दिखा रहे हैं कि लोग जो है हमारे कश्मीर को पसंद करें, जितनी भी हमारी जगह है उनको पसंद करें, और हम वही चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर ये है कि वो चीज़ें देखो जो फ़ायदेमंद हैं। और आप सबों से भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे भाई है इनकी चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, बिकॉज़ हम अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, गलत चीज़ें नहीं।
तो हमारा यही है, हम हमेशा आप सबको प्यार देते रहेंगे और आप भी थोड़ा सा प्यार वहाँ से भी देते रहो, बस यही हम चाहते हैं। और सॉन्ग कब आएगा इंशाल्लाह? ये वाला जो गाना है ये हम ईद पे रिलीज करेंगे। हाँ, ये ईद पे इसमें हमारा भी रोल है। इसमें क्या है कि इसमें हमारे दो भाई भी है गाने में, इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत ताउन किया, आज दिन भर हमारे साथ रहे, तो इनके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया भाई लोग। बिल्कुल, ईद पे आने वाला ये सॉन्ग तो धमाका है, वो पता ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई लोग, देखिए आप ईद पे क्या धमाका होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और यार देखो ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, क्या जाएगा एक शेयर करने। चलो शुक्रिया शुक्रिया। तो कल शाम को व्लॉग एंड नहीं हो पाया था क्योंकि अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बुखार खांसी जुकाम, तो अभी भी सेम वही है, लेकिन अब दवाई लाई, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल चुका है। तो अभी टाइम आ गया है इस व्लॉग को एंड करने का। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज से देख रहे हो वहाँ भी फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।